हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। मैं विनय आप सबके लिए लेकर आई हूँ डेली इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स का डे 23। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम रोज के 10 वर्ड्स को कवर करते हैं, जिसमें हम उनके हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग को जानते हैं और उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखते हैं, एंड हम उनसे एक एग्जाम्पल बनाकर आपको दिखाते हैं, और फाइनली उस वर्ड को याद करने के लिए हम आपको एक ट्रिक प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह से हम रोज के 10 वोकैब वर्ड्स को कवर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के वोकैब वर्ड्स। हमारा पहला वर्ड है फुरोरी। फुरोरी एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है हंगामा या उत्तेजना, यानी कि पब्लिक वॉयलेंस। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? रेज, चाओस, रक्कस, डिस्टरबेंस, आउटक्राई, ये सब क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो प्लेजर, हश, टेम्परेचर, डॉकिलिटी, ये सब इसके क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे। अब हम इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। द फुरर फ्रॉम द पब्लिक अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी टर्नड इनटू ए रायोट। रायोट होता है एक तरह का विद्रोह। तो जो लोगों का हंगामा था, उत्तेजना थी पब्लिक के अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी को लेकर, वो विद्रोह में बदल गई। इसको याद करने की हमारी ट्रिक क्या होगी? फरारी गाड़ी होती है, जो फरारी गाड़ी होती है उसको देखते ही लोग फुरोरी कर देते हैं, यानी कि हंगामा मचा देते हैं। तो फरारी को देखते ही लोग क्या कर देते हैं? फुरोरी। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? फ्लरी। फ्लरी एक नाउन भी होता है और एक वर्ब भी होती है, जिसका मतलब क्या होता है? घबराहट, उत्तेजना या अचानक होना किसी चीज़ का, यानी कि अ सडन एक्साइटमेंट। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? हरी, फ्लटर, स्टिर, एगिटेशन, डिस्क्वाइट, ये सब क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। काम, डल, पीस, कंफर्ट, हारमोनियस, ये सब क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। विद द फ्लरी ऑफ स्नो कमिंग डाउन हार्डर इन द हिल स्टेशंस, इट इज टफ टू ड्राइव ऑन द रोड। यानी कि जब हिल स्टेशंस पे जब बर्फ जो होती है वो नीचे पहाड़ों पर रोड पर आ जाती है, तो उस समय पर अचानक रोड पे आ जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है? रोड पे ड्राइव करना मुश्किल हो जाता है। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? एकदम से आग की बड़ी बड़ी फ्लेयर्स, फ्लेयर क्या होती है? लपटें। एकदम से आग की बड़ी बड़ी फ्लेयर को देख के विजय फ्लरी हो गया। फ्लरी हो गया यानी कि घबरा गया। तो आग की फ्लेयर्स को देख के फ्लरी हो गया। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? बुली। बुली एक नाउन भी होता है और एक वर्ब भी होती है। इसका मतलब होता है धौंसिया या भयभीत करना या गुंडा एक तरह से, यानी कि अ पर्सन हु ट्राइज टू ओप्रेस अदर्स। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? राउडी, हुलीगन, हैक्टर, टफ, कोअर्स, रफ, ये सब क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। हेल्प, सपोर्ट, सर्व, फेवर, मिटिगेट, ये सब क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स। अब हम इसके लिए एक सेंटेंस बना लेते हैं। पुलिस अरेस्टेड सम बुलीज हु वर इन्वॉल्व्ड इन एक्सटोर्शन। यानी कि पुलिस ने कुछ गुंडों को गिरफ्तार किया, जो एक्सटोर्शन का मतलब क्या होता है? दंगे फसाद एक तरह से। तो एक्सटोर्शन में जो शामिल थे उन गुंडों को पुलिस ने क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? बुल ने सबको बुली कर दिया, यानी कि बुल कौन होता है? बैल। बैल ने सबको डरा दिया, भयभीत कर दिया, तो बुल ने सबको क्या कर दिया? बुली कर दिया। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रिवेल। प्रिवेल एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है जीत लेना या बहकाना, यानी कि परसुएड समवन टू डू एनीथिंग। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? विन, एंड्योर, ट्रायम्फ, परसिस्ट, कमांड, बीट, ये सब क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। फेल, मिसफायर, फॉरफिट, लूज, अटेन, ये सब क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स।
अब हम इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। इट इज टफ टू प्रिवेल इन माइंड टू स्टॉप ईटिंग जंक फूड, यानी कि अपने मन को, अपने सॉरी माइंड, यहाँ दिमाग होगा, अपने दिमाग को बहकाना या उसको काबू में कर लेना ताकि हम जंक फूड ना खा पाएं, ये करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? उसके इमेजेस के प्रीव्यू ने ही बॉस को प्रिवेल कर दिया, यानी कि उसके इमेज उसने इमेजेस के जो प्रीव्यू दिखाए उनसे ही उनका बॉस का मन क्या हो गया, मन जीत लिया, प्रिवेल कर लिया उनको। तो प्रीव्यू दिखा के उसने प्रिवेल कर लिया बॉस को। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फॉरबिड। फॉरबिड एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है रोकना या बाधा देना, यानी कि डिसअलो समथिंग। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? बैन, प्रिवेंट, प्रोस्क्राइब, ब्लॉक, हिंडर, स्टॉप, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। परमिट, अलो, एम्पावर, सेंक्शन, एनेबल, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। द गवर्नमेंट मेड अ रूल टू फॉरबिड द ओल्ड व्हीकल्स ड्राइविंग ऑन द रोड, यानी कि गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है जो पुराने व्हीकल है उनको रोड पर ड्राइव करने से रोकने के लिए। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? उसके घर को बेचने की बिड एकदम से फॉरबिड कर दी गई। बिड क्या होती है? बोली, यानी कि उसके घर को बेचने की जो बोली थी वो एकदम क्या कर दी गई, रोक दी गई, फॉरबिड कर दी गई। तो घर बेचने की जो बिड थी उसको फॉरबिड कर दिया गया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एबडिकेट। एबडिकेट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है त्यागना या छोड़ देना, यानी कि गिव अप समथिंग। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? क्विट, लीव, एबंडन, रिजाइन, फोरगो, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। रिमेन, कंटिन्यू, रिटेन, मेंटेन, स्टे, कीप, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। पीपल हु एबडिकेटेड देयर बैड हैबिट्स बिकम सक्सेसफुल इन देयर लाइफ बिकेम, यानी कि जो लोग अपनी बुरी आदतों को त्याग देते हैं वो अपने जीवन में क्या हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? वो अब से नहीं, डिकेड से ड्रिंक करना एबडिकेट करने की बोलता आ रहा है लेकिन करता नहीं है, यानी कि अब से नहीं, डिकेड्स होता है दशक, यानी कि 10 सालों से लगभग, तो वो अब से नहीं, बहुत डिकेड्स से वो ड्रिंक करने की बोलता आ रहा है कि वो ड्रिंक करना छोड़ देगा लेकिन वो करता नहीं है, तो अब से नहीं, डिकेड्स से एबडिकेट करने की बोल रहा है, यानी कि छोड़ने की बोल रहा है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेरिसाइव। डेरिसाइव एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है हास्यजनक या व्यंग्यात्मक, इसका यानी कि एक्सप्रेसिंग रिडिक्यूल। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? एब्सर्ड, मॉकिंग, आयरनिक, जीरिंग, टॉन्टिंग, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। प्रेजिंग, अटेंटिव, एडमायरिंग, कॉशियस, फ्लैटरिंग, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। सम पीपल गिव ए डेरेसिव स्टेटमेंट फॉर चीप पब्लिसिटी, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी पब्लिसिटी के लिए, चीप होता है सस्ती पब्लिसिटी के लिए, क्या करते हैं, हास्यजनक कमेंट्स देते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? उसकी डरी सी शक्ल को देखकर, डरी सी शक्ल को देखकर उसके दोस्त उसके बारे में डेरेसिव बातें कर रहे थे, यानी कि हास्यजनक बातें कर रहे थे, उसकी डरी सी शक्ल को देखकर उसके बारे में डेरेसिव बातें कर रहे थे। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? मिसहैप। मिसहैप एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है दुर्घटना या विपत्ति, यानी कि एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? कैलमिटी, एक्सीडेंट, डिजास्टर, ब्लो, ट्रेजडी, एफ्लिक्शन, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। अब बात करते हैं हम इसके एंटोनिम्स की। अ ब्लेसिंग, बुलशी, लक, फॉर्चून, बून,
प्रोस्पर, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक एग्जांपल बना लेते हैं। सम पीपल डू नॉट ओबे द रूल वाइल ड्राइविंग विच कॉजेज अ मिसहैप, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो ड्राइविंग करते हुए रूल्स को फॉलो नहीं करते जिसकी वजह से कोई दुर्घटना हो जाती है। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? किसी भी काम को करने में अगर अटेंशन को मिस किया जाए या मिस करोगे तो मिसहैप हो जाएगी। यानी कि अगर किसी काम को करने में अटेंशन को मिस करोगे तो क्या हो जाएगी? मिसहैप हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एसुएज। एसुएज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है शांत करना या धीमा करना, यानी कि डिक्रीज इंटेंसिटी। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? काम, मॉलिफाई, रिलीव, सूद, सॉफ्टन, ईज। ईज। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? हर्ट, एगिटेट, इंटेंसिफाई, डिस्टर्ब, प्रोवोक। ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। सम पीपल ड्रिंक टू एसुएज देयर वरीज इग्नोरिंग हेल्थ इश्यूज, यानी कि कुछ लोग हैं जो अपनी चिंताओं को शांत करने के लिए या कम करने के लिए ड्रिंक करते हैं अपने हेल्थ इश्यूज को इग्नोर करके। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? आशु नाम की कोई लड़की है। आशु इस एज में अपना गुस्सा एसुएज नहीं कर पा रही है, ओ सॉरी, एसुएज कर लेती है। तो आशु आशु इस एज में अपना गुस्सा क्या कर लेती है? एसुएज कर लेती है। हमारा लास्ट वर्ड क्या है? प्रोलिफ्रेट। प्रोलिफ्रेट एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है संख्या में बढ़ना, यानी कि इंक्रीज द नंबर रैपिडली। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? ग्रो, इंक्रीज, स्प्रेड, मल्टीप्लाई, वाइडन, एक्सपेंड। ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। फॉल, लेसन, डिक्रीज, कट, डैमेज, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक एग्जांपल बना लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलरली प्रोलिफ्रेटिंग द आर्म्स ऑफ द आर्मी, यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो रेगुलरली आर्मी की संख्या में क्या कर रहे हैं? बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? इस कंपाउंड में फेरेट ऑक्साइड बहुत ही प्लोरीफ्रेट है, सॉरी प्रोलीफ्रेट है, हो रहे हैं। तो फेरेट नाम का एक ऑक्साइड है जो वो क्या हो रहा है? संख्या में बढ़ रहा है, प्रोलीफ्रेट हो रहा है। दोस्तों, ये थे हमारे आज के वो कैप वर्ड्स। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।